ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिकॉर्न कंपनीज के बारे में। डेटा सेट जो है ऑन मेवन एनालिटिक्स डॉट आई ओ, आप देख सकते हो स्क्रीन पर, ये एक वेबसाइट है जहां पर आपको फ्री डेटा सेट दिख सकता है। इसी वेबसाइट पे मैं आया हूँ। इसमें अगर मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो यूनिकॉर्न कंपनीज करके एक डेटा सेट है, इस पर क्लिक करता हूँ तो इसके बारे में सारी डिटेल्स हैं, कौन कौन से रेकमेंडेड एनालिसिस आप कर सकते हो, तो ये सब के बारे में डिस्कशन है। सबसे पहले हम देखते हैं कि मैंने कौन सा डेटा सेट लिया है। यूनिकॉर्न कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज विद वैल्यूएशन ओवर $1 बिलियन आर नोन टू बी यूनिकॉर्न एंड एज ऑफ मार्च 22 ये डेटा लिया गया है। इंक्लूडिंग कंपनीज करंट वैल्यूएशन, फंडिंग, कंट्री ऑफ ऑरिजिन, इंडस्ट्री, सिलेक्ट इन्वेस्टर्स एंड द ईयर्स दे वर फाउंडेड एंड बिकेम यूनिकॉर्न। ये हमारे चार रिकमेंडेड एनालिसिस हैं। ये तो कम से कम हमें एनालिसिस करनी है यूजिंग पावर बी आई। इसमें क्या होता है, विच कंपनी और यू कैन से विच यूनिकॉर्न कंपनीज हैव हैड द बिगेस्ट आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सेकेंड इज हाउ लॉन्ग डज इट यूजली टेक फॉर अ कंपनी टू बिकम अ यूनिकॉर्न। कितना टाइम एक कंपनी को लगता है यूनिकॉर्न बनने में, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 2 साल, हैज इट ऑलवेज बीन दिस वे, तो हम इसका ट्रेंड पता करेंगे। विच कंपनीज हैव द मोस्ट यूनिकॉर्न्स, कौन सी कंट्री ऐसी है जिसके अंदर सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न है, इट कैन बी चाइना, इंडिया, यूएसए, जर्मनी, फ्रांस, यूके, वो हम एनालिसिस करके पता लगाएंगे। आर देयर एनी सिटीज दैट अपियर टू बी इंडस्ट्री हब्स। जैसे हम इंडिया में बोलते हैं बेंगलोर इज आईटी हब, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा आईटी कंपनीज है, वहां पर एम्प्लॉयबिलिटी भी बहुत ज्यादा है। ऐसे कोई वर्ल्ड वाइड एक सिटी है ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा गिवन टू अस जो हम जिसको बोल सके वो इंडस्ट्री हब है, वो हम पता करेंगे। फिर विच इन्वेस्टर्स हैव फंडेड द मोस्ट यूनिकॉर्न्स। अगर आप देखोगे सबसे टॉप ग्लोबल यूनिवर्सल जो इन्वेस्टर्स हैं, जैसे सिक्वा कैपिटल हो गया, SL हो गया, ये सारे इन्वेस्टर्स हैं, तो उनमें से जो भी लिस्ट दी गई है, जितना भी डेटा है, उस बेसिस पे कौन सा इन्वेस्टर है जिसने सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न्स को फंड किया है, तो ये कुछ एनालिसिस हैं। इसके अलावा भी हम और एनालिसिस करेंगे, तो इसके बेसिस पे हम ये पूरा ट्यूटोरियल वर्क करेंगे। ये वाला जो डेटा है CSV फाइल में है, 37 KB है खाली, इसको मैंने डाउनलोड किया है। अगर मैं डेटा को प्रीव्यू करूं तो मेरा कुछ जो भी कॉलम्स हैं वो डेटा आ जाएगा, जैसे कंपनी नेम, वैल्यूएशन, डेट जॉइंट, इंडस्ट्री, सिटी, कंट्री, कॉन्टिनेंट, देन ईयर फाउंडेड, फंडिंग, सिलेक्ट इन्वेस्टर्स। तो इसके बेसिस पे मैंने पूरी अपनी एनालिसिस की हुई है। अब हम आते हैं पावर बी आई डेस्कटॉप पे, ये वाली हमें एनालिसिस करके दिखानी है, राइट। आप देखोगे अगर मैं फिल्टर्स ऑन करता हूँ, ये पूरी एनालिसिस हम करेंगे कि कौन सा यूनिकॉर्न ईयर है, कंपनी नेम क्या है, इंडस्ट्री कौन सी है, कॉन्टिनेंट कौन से में है, राइट। अगर मैं फिल्टर को बंद कर देता हूँ, फिर मेरा पूरा ये डैशबोर्ड कैसे बनाएंगे। फिनटेक अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो मेरा डेटा पूरा फिनटेक के लिए सिलेक्टेड है, राइट। अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ मुझे USA का देखना है, तो मैं USA को सिलेक्ट करूंगा, मेरा सारा नॉर्थ अमेरिका के लिए आ गया डेटा, राइट। सो दिस इज हाउ यू कैन फिल्टर आउट, यू कैन सी मेरा कितना वैल्यूएशन है टोटल लेवल पे। फिनटेक अगर मुझे वैल्यूएशन देखना है, फिनटेक का मेरा 882 बिलियन है, टोटल लेवल पे है मेरा 3711, राइट। फिर अगर मैंने डेटा को फिनटेक पे सिलेक्ट किया हुआ है, लेट्स से, या फिर इंटरनेट सॉफ्टवेयर प्लस ई कॉमर्स, नाउ आई हैव टू रीसेट टू द डिफॉल्ट डेटा, राइट। सो आई कैन जस्ट क्लिक ऑन रीसेट और मेरा पूरा डेटा रीसेट हो गया। तो हमारा जो एजेंडा है ये पूरा डैशबोर्ड बनाने का है, इसको कैसे विजुअली अपीलिंग बनाते हैं, कैसे ये फिल्टर पैनल बनाते हैं, कैसे इसको बुकमार्क्स यूज करके कैसे क्या क्या करना होता है, कौन सी एनालिसिस करनी है, इन्वेस्टर्स की एनालिसिस जो है वो कैसे करेंगे, ये सब इसके बारे में हम इसमें डिस्कस करते हैं। अभी हम पावर बी आई डेस्कटॉप पर आ चुके हैं। सबसे पहले एक बार हम डेटा सेट देख लेते हैं, क्या है डेटा सेट। अगर आप देखोगे हमारे पास एक टेबल है यूनिकॉर्न अंडरस्कोर कंपनीज के नाम पे, 1074 रोज हैं। इसमें पहला कॉलम जो है कंपनी नेम, जो कंपनी यूनिकॉर्न बनी है उसका नाम क्या है, उसकी कितनी वैल्यूएशन है एज ऑफ नाउ, किस दिन वो यूनिकॉर्न बनी थी, कौन सी इंडस्ट्री में है वो कंपनी, सिटी कौन सी सिटी में ऑरिजिनेट है, कंट्री कॉन्टिनेंट, देन ईयर फाउंडेड, देन फंडिंग, कितनी फंडिंग मिली है जो इन्वेस्टर्स ने पैसा डाला है कंपनी में, फंडिंग की है वो कितनी करी है, एंड देन फाइनली द इन्वेस्टर्स। तो इस कॉलम में आप देखोगे
तो मैक्सिमम 4 इन्वेस्टर्स होंगे किसी भी एक कंपनी के लिए, तो ये इन्वेस्टर्स हो गए हमारे पास। सो दिस इज़ द ओवरऑल डेटा दैट वी हैव। अब इससे हमें समझना है कि हम ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, विच यूनिकॉर्न कंपनीज हैव द बिगेस्ट ROI, देन हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर अ कंपनी टू बिकम अ यूनिकॉर्न, कितना टाइम लगता है एक कंपनी को यूनिकॉर्न बनने में, क्या ये पैटर्न है, विच कंट्रीज हैव द मोस्ट यूनिकॉर्न्स, आर देयर एनी सिटीज दैट अपियर टू बी इंडस्ट्री हब्स, विच इन्वेस्टर्स हैव फंडेड द मोस्ट यूनिकॉर्न्स। तो ये कुछ सवाल हैं जिसके आंसर हमें करने हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो एनालिसिस में हम लाएंगे, ठीक है। तो अब हम इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, पावर क्वेरी एडिटर में जाना है मुझे, तो यहाँ क्लिक करेंगे एडिट क्वेरी पे। आप सबसे पहले ना जो इनका डेटा टाइप है, जो डेटा टाइप है लेफ्ट साइड पे होता है, ये कॉलम नेम है कंपनी, ये ABC डेटा टाइप है। इस पे आप क्लिक करोगे तो पता चल जाएगा कि ABC क्या है, ये टेक्स्ट है, तो ये हमारा डेटा टाइप है करेक्ट। अब मैं वैल्यूएशन पे आता हूँ तो इसका डेटा टाइप भी ABC है, मतलब टेक्स्ट। लेकिन जो वैल्यूएशन है ये हमारी करेंसी है, डॉलर सिंबल आप देख सकते हो, करेक्ट। तो ये मेरा डेटा टाइप गलत हुआ, टेक्स्ट नहीं है, ये मेरा है सिंबल करेंसी का, तो हमारा ये वैल्यूएशन करेंसी में होना चाहिए, राइट। तो अगर मैं ये डेटा टाइप ABC ही रखता हूँ, टेक्स्ट रखता हूँ, तो इसमें क्या इश्यू आ सकता है, अगर मेरे को टोटल वैल्यूएशन करनी है, ऐड करना है। टेक्स्ट को कभी हम ऐड नहीं कर सकते हैं, तो 100 + 100 बिलियन 200 बिलियन होता है, लेकिन अगर आप इसको सम करोगे वो सम नहीं होगा, राइट। तो सबसे पहले हमें इसको डेसिमल नंबर में करना है या फिर होल नंबर में करना है, वट एवर यू फील इज़ करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं डेसिमल में क्लिक करता हूँ, देखते हैं क्या आता है। अब इसमें एरर आ गया है। अब एरर क्या दिखा रहा है, वी कुड नॉट कन्वर्ट टू नंबर विच इज़ वैलिड। ये नंबर पे कैसे कन्वर्ट करेगा, मैं वापस इसको अप्लाइड स्टेप को क्रॉस कर देता हूँ। अगर आप देखो तो ये अपने आप से करेंसी में कैसे कन्वर्ट कर देगा, हमें कुछ मॉडिफिकेशंस करनी पड़ेंगे इस कॉलम में जिससे कि वो करेंसी बन जाए, राइट। सिमिलरली विद फंडिंग पार्ट, फंडिंग पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है क्योंकि इसमें बिलियंस में भी है, मिलियंस में भी है, जो वैल्यूएशन है वो सारी बिलियन में है। आप देखोगे इसमें कोई भी मिलियन का रो नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको करता हूँ, पहले मैं क्या करता हूँ, इसको डुप्लीकेट बना देता हूँ, डुप्लीकेट कॉलम, इसको वापस मैं वहाँ लेके जाऊँगा जहाँ पर वैल्यूएशन है हमारा, ठीक है। इसको बस सिंपल ड्रैग कर रहे हैं, ऑलराइट। अब मुझे इसको चेंज करना है वैल्यूएशन को, मैं क्या कह रहा हूँ कि मुझे डॉलर साइन हटाना है और बिलियन साइन हटाना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, रिप्लेस वैल्यूज, ठीक है, वैल्यू टू फाइंड डॉलर रिप्लेस विद नल, राइट, ये हट गया डॉलर। सिमिलरली मैं बी हटाऊंगा, बी फॉर बिलियन रिप्लेस वैल्यूज, बी रिप्लेस विद ब्लैंक, ऑलराइट। अब मेरा ये हो गया वैल्यूएशन इन डॉलर बिलियन, ऑलराइट। अब इसको मैं चेंज करना चाहूँ होल नंबर में, तो क्या मैं कर सकता हूँ, क्लिक करता हूँ, जी हाँ, अब यहाँ पर 1 2 3 आ गया, तो मेरा डेटा टाइप भी चेंज हो गया है। अब इसको मैं अपनी कैलकुलेशंस में आसानी से यूज़ कर सकता हूँ। आप देख सकते हो इस कॉलम में और इस कॉलम में क्या डिफरेंस है, बस यहाँ पर मैंने डॉलर और बिलियन साइन हटा दिया है, यहाँ पर मेरा सिंपल नंबर आ गया है, जो 8 बिलियन डॉलर आ रहा है यहाँ पर 8 आ रहा है खाली, ठीक है। यहाँ पे मैंने हेडर में लिख दिया है, इट ऑल द वैल्यूज आर इन डॉलर बिलियन, करेक्ट। तो दिस कॉलम इज सॉर्टेड, अब हमारा ये क्लियर हो गया है। अब मैं वापस आता हूँ फंडिंग पे, फंडिंग पे एक हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगानी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा मिलियन है, तो फॉर एग्जाम्पल आप एक ही ऑप्शन पे जाओगे, या तो आप सारी वैल्यूज़ को बिलियन में कन्वर्ट करो या फिर सारी मिलियन में कन्वर्ट करो, ठीक है। अभी बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो हो सकता है कि सारी बिलियन में हो जाए, क्योंकि सारी मेरी वैल्यूएशन भी बिलियन में है, और अगर मैं फंडिंग को भी बिलियन में कर देता हूँ तो वो इजी हो जाती है कैलकुलेशंस। तो बिलियन के लिए मुझे क्या करना होगा, डिवाइड बाय 1000 करना होगा जो भी मेरे मिलियन वाले वैल्यूज़ हैं। फॉर एग्जाम्पल 572 मिलियन है, तो इसको अगर मुझे बिलियन में कन्वर्ट करना है तो इसका वैल्यू आना चाहिए 0.572 बिलियन, ठीक है।
तो मेरे को अगर इसको रिप्लेस करना है कैसे कर सकता हूँ? तो सिंपल है, विल मेक डुप्लीकेट कॉलम। ऑलराइट, अब हमारे पास फंडिंग का भी डुप्लीकेट कॉलम आ गया है। अब मुझे अगर इसको स्प्लिट करना है, स्प्लिट मुझे करना है कि जो भी मेरा बिलियन है मिलियन है वो एक कॉलम में दिखे, बी और एम। ठीक है, तो उसके लिए क्या करूँगा, मैं राइट क्लिक करके स्प्लिट कॉलम बाय डिजिट टू नॉन डिजिट। इससे क्या होगा कि मेरा जो नॉन डिजिट है वो अलग स्प्लिट हो गया है। ठीक है, ये खाली डिजिट रह गया है। अब इसमें भी मुझे डॉलर साइन हटाना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जाके रिप्लेस वैल्यू डॉलर रिप्लेस विद ब्लैंक। राइट, ओके। अब मुझे ये नंबर को एबीसी से होल नंबर पे कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हो आप, यहाँ पर रेड का एरर आ गया है, 1%। आउट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स आपके 11 हैं जो एरर्स हैं, वो एरर्स क्या हैं? अगर मैं कीप एरर्स करता हूँ तो ये एरर्स वो वाले हैं जहाँ पर मेरी फंडिंग अननोन है, जहाँ पर मुझे नहीं पता कि कितनी फंडिंग मिली है उन्हें। ठीक है, तो उसका एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन ये है, या तो आप पहले ही स्टेप पे इस फंडिंग को ज़ीरो कर दो, जिससे कि आगे की कैलकुलेशंस आपकी ईजी हो जाए। राइट, वही एक बेटर ऑप्शन है, अदरवाइज़ आप इसको कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। तो मैं क्या करता हूँ, इसको हटा के स्टेप्स को, हम इसको दोबारा स्टेप्स बनाएंगे। ऑलराइट, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसमें मैं सिलेक्ट करता हूँ अननोन कौन कौन से हैं। हमारे पास रफली रफली क्या 12 रिकॉर्ड्स हैं जहाँ अननोन है। राइट, तो मैं इसको फिल्टर हटा देता हूँ फिलहाल। यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ, रिप्लेस वैल्यू, जहाँ भी अननोन है उसको रिप्लेस करो डॉलर ज़ीरो बिलियन। क्लिक ओके। ऑलराइट, अब हम वो वाले स्टेप्स फॉलो करेंगे, इसको डुप्लीकेट कॉलम बनाते हैं। ऑलराइट, राइट क्लिक, स्प्लिट कॉलम बाय डिजिट टू नॉन डिजिट। अगेन इन दिस आई हैव टू रिप्लेस वैल्यू। ओके, एंड आई हैव टू चेंज द डेटा टाइप टू होल नंबर। नाउ यू कैन सी देयर इज नो एरर, 100% वैलिड। दिस इज परफेक्ट, दिस इज व्हाट वी वांटेड। नाउ वी हैव दिस फंडिंग, फंडिंग वैल्यू, दिस इज फंडिंग बी और एम, दिस इज व्हाट वी हैव टू यूज एज अ रेफरेंस। ठीक है, अब हमने ये तो समझ लिया है, अब मुझे फंडिंग वैल्यू जाननी है। अब जहाँ पर भी मिलियन है तो मुझे इसको डिवाइड बाय 1000 करना है, और जहाँ पर भी बिलियन है वहाँ उसको एज इट इज़ रखना है। ऑलराइट, तो ऐसे ही हमारा वैल्यूएशन बनना चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं, होम पेज पे जाके क्लोज एंड अप्लाई करते हैं। ऑलराइट, अब हमारा क्लोज एंड अप्लाई करके हमने जो ये बनाया है, यहाँ पर हमारे रिकॉर्ड्स दिख रहे हैं सारे के सारे, जितने भी नए कॉलम्स बने हैं वो सारे दिख जाएंगे। अब हम एक नया कॉलम बनाएंगे। ये वाला स्टेप हम एडिटर में भी कर सकते थे, लेकिन मैं आपको यहाँ का भी यूजेज दिखाना चाहता हूँ। फंडिंग रख लेते हैं अभी। फंडिंग इज इक्वल टू इफ माई फंडिंग एम बी और एम इज इक्वल टू एम। अगर मेरा मिलियन में है तो मेरा फंडिंग वैल्यू डिवाइड बाय 1000 होना चाहिए, एल्स मेरा फंडिंग वैल्यू आना चाहिए। ओके, दिस इज ऑलरेडी इन यूज, सो आई कैन जस्ट राइट फंडिंग अंडरस्कोर 2। और जहां पर भी मिलियन है वहां पर डिवाइड बाय 1000 हो गया, जहां बिलियन है वहां पर एज इट इज रह गया। राइट, सो दिस इज द एग्जैक्ट कॉलम वी वॉन्ट, देर इज नो एरर, एवरीथिंग इज इन बिलियंस। ऑलराइट, सो नाउ आई हैव वैल्यूज, सो आई कैन जस्ट रीनेम दिस एज फंडिंग इन डॉलर बिलियन। ऑलराइट, सो दिस विल बी माई मेन कॉलम विच आई विल बी यूजिंग
ऐसे ही मेरा एक जो होगा वैल्यूएशन का, ये वाला नहीं, वैल्यूएशन का है ये वाला। तो मेरे ये दो कॉलम हो गए, वैल्यूएशन इन डॉलर बिलियन, फंडिंग इन डॉलर बिलियन, विच आर रियली इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अब इस ये होल नंबर में है, आप देखोगे यहाँ डेटा टाइप होल नंबर है, जो मेरा फंडिंग है वो है डेसिमल नंबर में, बिकॉज दिस इज़ इन डेसिमल्स। डेसिमल भी हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है। ऑलराइट, अगर मैं इसको यहाँ फॉर्मेट से करेंसी कर देता हूँ तो क्या होगा? तो मेरा ये डॉलर सिंबल आ गया आगे। ऑलराइट, कोई गलत नहीं है, लेकिन अभी क्यों करना है हमें, फिलहाल इसको होल नंबर में ही रखते हैं, बाद में अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। ऑलराइट, तो हमारे ये कॉलम बिल्कुल तैयार हैं फंडिंग और वैल्यूएशन के। ठीक है, अब हम आते हैं मेन पेज पे, यहाँ पर हमारा डिज़ाइनिंग पार्ट शुरू होगा। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मुझे एक बनाना है फिल्टर पैनल, लेफ्ट साइड पे फिल्टर पैनल। उसके लिए मैं एक शेप इंपोर्ट कर लेता हूँ। ऑलराइट, इस पे मेरे बहुत सारे फिल्टर्स होंगे, फिल्टर्स का ये एक ऑप्शन है, फिल्टर मेरा क्या हो सकता है, सबसे पहले तो ईयर होगा। ईयर होगा कौन सा, जब वो फंड हुआ था या फिर जब से वो कंपनी शुरू हुई है। लेट्स से कि कौन से, जिस दिन डेट ज्वाइंट, जिस दिन फंडिंग हुई है, राइट, उसका ही मुझे ईयर चाहिए। तो अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं आता कि मुझे ईयर चाहिए इसका। तो मैं वापस अगर डेटा सेट पे जाऊँ, डेट ज्वाइंट का मुझे एक नया कॉलम बना के खाली इससे ईयर एक्सट्रैक्ट करना है। यूनिकॉर्न ईयर इज इक्वल टू ईयर ऑफ डेट ज्वाइंट। ऑलराइट, तो इससे क्या होगा कि मेरा ईयर आ जाएगा इस कॉलम में। अगर आप देखोगे डेट ज्वाइन इज 14th of September 2021, मेरा ईयर आ गया 2021। ऑलराइट, दिस ईयर आई हैव टू यूज इन दिस फिल्टर। ठीक है, अब इसको बना देते हैं ड्रॉप डाउन। अगर आप देखो ये साइज मेरा सही है, इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना देते हैं, स्लाइसर हेडर यूनिकॉर्न बोल्ड वाइट लुक्स ओके। बॉर्डर को अगर मैं बनाना चाहूँ, लाइन विड्थ इज दिस, कलर मे बी दिस। अगर मैं जनरल पे जाऊंगा, इफेक्ट्स, बैकग्राउंड इज लेट्स से दिस, नाउ दिस इज सिमिलर टू व्हाट वी ऑलरेडी हैव। अगर मैं इसको ड्रैग करके यहाँ रख देता हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे इस फिल्टर पैनल पे ही रखना है, तो क्या मेरा ये सही लग रहा है कलर? नहीं, थोड़ा सा और इसको इम्प्रोवाइज़ करते हैं। इस पे अगर मैं वाइट रखता हूँ तो वो भी सही रहेगा, ग्रे भी सही रहेगा, फिलहाल के लिए हम इसको ग्रे रखते हैं। राइट, वापस हम विजुअल पे आते हैं, वैल्यूज़, वैल्यूज़ में जो मेरा फॉन्ट है वो देख लेते हैं पहले, इसको बोल्ड करके, फॉन्ट कलर लेट्स से इट इज़ डार्क ब्लू। राइट, बैकग्राउंड मुझे रखना है वाइट। ऑलराइट, अब इसको मैं क्या कर्व बना सकता हूँ, सेटिंग्स में जाके, मेरा ये हो गया मल्टी सिलेक्ट विच इज़ फाइन, स्लाइसर हेडर में यूनिकॉर्न, ईयर हो गया मेरा, फॉन्ट साइज इज 12, फॉन्ट कलर इज ब्लैक, मे बी मेक इट डार्क ब्लू, बॉर्डर इज नॉट रिक्वायर्ड, वैल्यूज इज ऑल्सो फाइन। वैल्यूज का बॉर्डर अगर मेरे को करना है इसका चेंज, लाइन विड्थ 1 इज सफिशेंट, बैकग्राउंड हमारा हो ही गया चेंज। और एक तो यहाँ से हमने चेंज कर दिया, जनरल में हमारी प्रॉपर्टीज़ पे अगर जाते हैं, साइज़ हमारा सही है, पोजीशन इज़ ऑल्सो परफेक्ट, टाइटल इज़ नॉट रिक्वायर्ड, इफेक्ट्स में अगर हम जाते हैं, बैकग्राउंड हमने कर ही दिया है,
विजुअल बॉर्डर की जरूरत नहीं है। बस इसमें क्या है, जो ये विजुअल बॉर्डर है ना, इसको मुझे थोड़ा सा राउंडेड कॉर्नर्स करने हैं। इफेक्ट्स में जाऊंगा, विजुअल बॉर्डर राउंडेड कॉर्नर्स, लेट्स से इट इज 5, ठीक है। कलर ब्लू ही रख लेते हैं, दिस लुक्स डिसेंट फॉर नाउ, ठीक है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ, ओके, तो ये जो वैल्यू के हैं बॉर्डर है ना, ये अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो वैल्यू के बॉर्डर को मेरे को चेंज करना है। वैल्यूज़ पे जाऊँगा, बॉर्डर जो ये क्लिक किए हैं टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, इसको हटा दूंगा। अब मैं सिलेक्ट करूँगा तो दिस लुक्स डिसेंट। ऑलराइट, अब मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, नाउ दिस लुक्स गुड। ऑलराइट, सिमिलरली आई वॉन्ट मोर फिल्टर्स लाइक दिस, तो इसको मैं कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर रहा हूँ जस्ट टू सेव टाइम। ऑलराइट, मुझे कितने चाहिए फिल्टर्स? एक मुझे चाहिए कंपनी का, मुझे एक चाहिए सिटी, एक चाहिए कॉन्टिनेंट, एक चाहिए कंट्री, चार तो ये हो गए। एक चाहिए मेरा ईयर 5, ठीक है, और एक इंडस्ट्री 6। तो मुझे 6 फिल्टर्स लेने हैं विच आर सफिशेंट, और मे बी सिलेक्टर्स। तो अभी के लिए हम 6 लेते हैं, दीज आर 5, एंड देन सिलेक्ट 6th वन। ऑलराइट, अब मैं क्या करूँगा, इनको अलाइन कर दूंगा, सबको सिलेक्ट करके गो टू फॉर्मेट अलाइन डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली, ठीक है। तो पूरी स्पेसिंग इक्वल कर देगा ये। प्लस मुझे क्या करना है, इसको ग्रुप बनाना है, इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक ग्रुप, ठीक है। तो मेरा एक ग्रुप बन गया ये, तो ये कभी हिलेगा नहीं। अब मुझे क्या करना है, इसका एक बटन भी बनाना है, वो बाद में करते हैं, ठीक है। अभी के लिए मैं व्यू पे जाके इस पैनल को, ये है फिल्टर पैनल, इसको मैं रीनेम करके इसको हाइड कर देता हूँ, ठीक है। वापस अब हम अपने मेन डैशबोर्ड पर आ चुके हैं, जहाँ पर हमारा फिल्टर नहीं दिख रहा अभी, ठीक है। अब हम बनाएंगे अपना डैशबोर्ड। वापस से हम क्या करते हैं, इंसर्ट शेप रेक्टेंगल, एक हेडर के लिए, बेसिक हेडर के लिए हम एक रेक्टेंगल बना सकते हैं। फिर इसको मैं कॉपी पेस्ट करूँगा, इसको फिल्टर बनाने के लिए बैकग्राउंड में थोड़ा लाइट ग्रेश दे देता हूँ, कलर लाइट ग्रे विल बी फाइन, ट्रांसपेरेंसी 0, थोड़ा और लाइट चाहिए, ठीक है। अब इन फिल्टर्स को, इन ग्राफ्स को मुझे रखना है वाइट, ठीक है। बॉर्डर शुड बी ब्लैंक, मेरे को बॉर्डर नहीं चाहिए। अब ये डिसेंट लग रहा है शेप में, अगर मैं राउंडेड कॉर्नर्स रखता हूँ 5 रखता हूँ तो क्या होगा? यस, इसको मैं थोड़ा सा और राउंड कर देता हूँ, 15 कर देते हैं, दिस लुक्स गुड, ठीक है। अगर मैंने ऐसे रखा, अब मैं यहाँ पर अपना ग्राफ डालता हूँ। सबसे पहले मैं डालता हूँ इंडस्ट्री वाइज, फॉर एग्जांपल मेरी जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, मैं इंडस्ट्री को सिलेक्ट करता हूँ पहले, ठीक है। अब मुझे देखना है इंडस्ट्री वाइज कितनी कंपनीज हैं, तो मुझे कंपनी को एक्स एक्सेस में लेना होगा, इसको मैं एक्स एक्सेस में डाल देता हूँ। ठीक है, आप देख सकते हो, इसको थोड़ा और लुक एंड फील बेटर करेंगे, लेकिन आपको यही चाहिए, मेरी जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं उसके बेसिस पे कितनी कंपनीज हैं जो उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में है। इसका मैं डेटा लेबल ऐड कर देता हूँ, ऑन कर दिया तो पता चल गया, फिनटेक इज़ नंबर 1, फिनटेक की मेरी 224 कंपनीज हैं। सेकंड पे इंटरनेट सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज 205, थर्ड पे है ई कॉमर्स एंड D2C विच इज़ 111, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिर हेल्थ एंड देन अदर्स, ठीक है। तो ऐसे हम नीचे जाके देख सकते हैं, लास्ट में है ट्रैवल विच आर 14 कंपनीज, 14 कंपनीज हैं जो ट्रैवल इंडस्ट्री में है। ऑल राइट, तो अब मुझे यही रखना है, इसका जो टाइटल होगा, टाइटल मेरा जनरल में जाके टाइटल पे जाएंगे हम, विच शुड बी
इंडस्ट्रीज नंबर ऑफ कंपनीज, ठीक है, इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ. टेक्स्ट शुड बी लेट्स से W एंड हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट इज मिडल. बैकग्राउंड कलर की ज़रूरत नहीं है. अब मैं अगर इसमें जाता हूँ वाई एक्सिस में, मुझे इंडस्ट्री को टाइटल हटाना है, सिमिलरली एक्स एक्सिस का भी हटाना है, टाइटल और एक्स एक्सिस पूरा हटाना है टू मेक इट मोर नीट. इसमें अगर मैं बोल्ड कर देता हूँ इसे, राइट, कलर शुड बी मोर कैची, लेट्स से इट इज, No, this doesn't look good. Yellow is too light. अभी के लिए हम इसको ब्लू रखते हैं. विद मैक्स एरिया विड्थ एज 25. इसको अगर मैं 45 करता हूँ, देखना क्या डिफरेंस होता है. मेरा इधर चल गया और ये राइट साइड की तरफ हो गया, और मेरे ये जो इंडस्ट्रीज हैं प्रॉपरली पता चल रही है. ऑल राइट, तो हमारा ये तैयार है वाला ग्राफ. ऑलराइट, ऐसे ही मुझे और ग्राफ्स बनाने हैं. सबसे पहले मैं एक इसको कॉपी पेस्ट करूंगा. मुझे सिमिलरली और क्या बनाना है, मुझे बनाना है कंट्री वाइज, कौन सी कंट्री में कितनी सारी कंपनीज हैं. ऑलराइट, तो सबसे पहले मेरे को कंट्री करना है. मैं दूसरा ग्राफ ले लेता हूं इसके लिए, या तो हम एक मैट्रिक्स लेते हैं, मैट्रिक्स में डालते हैं कंट्री, ठीक है, उसके आगे डालते हैं, या सबसे पहले डालते हैं कॉन्टिनेंट. तो हमारा मैट्रिक्स बन गया. अब जैसे ही मैं अफ्रीका को सिलेक्ट करूँगा, तो मेरी अफ्रीकन के अंदर जितनी भी कंट्रीज होंगी वो आ जाएंगी. इसके अंदर डालता हूँ मैं सिटी, ठीक है. तो नाइजीरिया में कौन सी सिटी है, लागोस में है, फिर सेनेगल में है, फिर साउथ अफ्रीका में है. तो ये ऐसे मेरा प्रॉपरली आ जाएगा. एंड दिस विल बी हेल्पफुल, आपको एक स्ट्रक्चर मिल गया जिसमें सारी डिटेल्स आ जाते हैं, ठीक है. ये हमारी एक तरह से मेन टेबल बन जाएगी, क्योंकि इसी के अंदर मुझे सारी डिटेल्स मिल जाती हैं. अब मैं अगर इसमें आता हूँ वैल्यूज़ में, तो पहले वैल्यूज़ में डाल दिया मैंने काउंट. ठीक है, मेरी टोटल कंपनीज हैं 1074. आउट ऑफ देम अफ्रीका में 3 हैं, एशिया में 310 हैं, यूरोप में 143 हैं, नॉर्थ अमेरिका में 589 हैं, ओशियाना में 8 हैं, साउथ अमेरिका में 21 हैं. सिमिलरली मैं जो मेरी है कंपनी, इसको मैं फिर से सिलेक्ट करके इसका मैं क्या कुछ और निकाल सकता हूँ. इसमें स्पार्कलाइन हम डाल सकते हैं, इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग डाल सकते हैं, लेकिन इसकी अभी ज़रूरत नहीं है हमें, तो इसको वापस डाल देते हैं. क्या मुझे इंडस्ट्री चाहिए, कौन सी इंडस्ट्री है, या इंडस्ट्री का काउंट क्या है. तो मैं अगर इसको वापस काउंट करता हूँ, तो ये मेरा कोई लॉजिकल सेंस नहीं बन रहा है, करेक्ट. तो या तो मैं डिस्टिंक काउंट लूँगा. तुम डिस्टिंक काउंट करने से मुझे ये पता चल रहा है, मेरे टोटल 15 इंडस्ट्रीज़ हैं, उसमें से अफ्रीका, एशिया, अफ्रीका में खाली 2 हैं इंडस्ट्रीज़, वो हमें देखना पड़ेगा कौन सी 2 हैं. राइट, अगर मैं अफ्रीका सिलेक्ट करता हूँ, तो मेरी यहाँ पर 2 सिलेक्ट होके आ गई, फिनटेक की 2 कंपनीज़ हैं ये, ठीक है. अगर मैं एशिया सिलेक्ट करूँगा ना, एशिया में सारी 15 की 15 इंडस्ट्रीज़ हैं, यूरोप में भी 15 हैं, नॉर्थ अमेरिका में 15 हैं, ओशियाना में 3 हैं. वो कौन सी 3 हैं, एक है फिनटेक, एक है इंटरनेट सॉफ्टवेयर, और एक है ई कॉमर्स. राइट, तो हमें इससे ये पता चल जाता है कि कौन सी इंडस्ट्री कौन सी कहाँ ज़्यादा रेलेवेंट है. लेकिन अभी के लिए मैं इसको यूज़ नहीं करना चाहूँगा, ठीक है. इसके आगे मुझे और भी फॉर्मूलेज डालने हैं. मुझे ये डालना है कि अफ्रीका में कितनी वैल्यूएशन हुई, तो मैं वैल्यूएशन का डाल सकता हूँ, टोटल वैल्यूएशन आ जाएगा. ये मुझे डालना है वैल्यूज़ में, ठीक है, ये मेरा आ रहा है बिलियन डॉलर्स में. फिर मुझे डालना है कि कितनी फंडिंग हुई है. फंडिंग मैंने वैल्यूएशन से पहले डाल दिया है.
ठीक है, तो टोटल फंडिंग जो मेरी अफ्रीका में हुई है वो हुई है 1.32 बिलियन की, और उसकी वैल्यूएशन 5 बिलियन बन गई है। अगर मुझे आरओआई निकालना है, मैं पहले कॉन्टिनेंट लेवल पे आरओआई निकालूंगा, फिर मैं निकालूंगा कंट्री लेवल पे, फिर मुझे निकालना है सिटी लेवल पे, ठीक है, उसके बाद मैं कंपनी लेवल पे भी आरओआई निकालूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके लिए डैक्स बनाएंगे। मैं क्या करूंगा, यहां पर डॉट पे क्लिक करके न्यू मेजर, यहां पर मेरा आएगा वैल्यूएशन टू फंडिंग रेशो, विच इज इक्वल टू डिवाइड, डिवाइड फंक्शन हो गया, न्यूमिरेटर में आएगा मेरा वैल्यूएशन, विच इज सम ऑफ वैल्यूएशन इन बिलियन डॉलर्स कॉमा सम ऑफ फंडिंग इन बिलियन डॉलर्स कॉमा जीरो ब्रैकेट क्लोज्ड। ओके, एक ब्रैकेट क्लोज करना रह गया था। ऑल राइट, तो हमारा वैल्यूएशन टू फंडिंग रेशियो बन गया है। अगर आप देखोगे तो मेरे सारी वैल्यूज बिलियंस में थी, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई, नहीं तो मुझे यहाँ पर डिवाइड बाय 1000 या कुछ ना कुछ एक नंबर डालना पड़ता। अगर मैं रेशियो से भी सर्च करूँगा तो मेरा ये आ गया, इसको मुझे डालना है वैल्यूज में, तो मैं इसको वैल्यूज में ड्रैग कर देता हूँ। तो अगर आप देखोगे रेशियो, ये मेरी रेशियो आ गई है अफ्रीका के लिए 3.8% आई है, 3.8 आई है, ठीक है। रेशियो मुझे डालनी है इन परसेंटेज, तो इसको मैं सिंपल है यहाँ पर जो डिस्प्ले द वैल्यूज है इसको परसेंटेज क्लिक कर देता हूँ। ऑलराइट, तो अगर आप अब देखोगे तो मेरी जो फंडिंग हुई थी $132 की हुई थी, सॉरी 1.32 की हुई थी जो फंडिंग हुई थी, वैल्यूएशन इसकी हो गई 5 बिलियन। रफली इसको हम कह सकते हैं 4 टाइम्स मेरा बड़ा है, 4 टाइम्स नहीं है, 3.79 टाइम्स हुआ है, राइट। तो इसकी परसेंटेज मेरी काफी हाई है। ऑलराइट, तो अगर आप देखोगे तो सबसे बढ़िया ओशियानिया में हुआ है, 2.71 की फंडिंग थी और मेरी वैल्यूएशन हो रही है 56 की, राइट। तभी ये दिख रहा है जो मेरी वैल्यूएशन रेशियो है, वैल्यूएशन टू फंडिंग 2067%, दिस इज ह्यूज। ऑलराइट, हमारे एक क्वेश्चन भी था, हमारे क्वेश्चन था विच इन्वेस्टर्स हैव फंडेड द मोस्ट यूनिकॉर्न्स, और इसमें ये वाला विच यूनिकॉर्न कंपनीज हैव हैड द बिगेस्ट आरओआई। तो अगर मुझे ये कैलकुलेट करना है तो मैं एक अलग से मैट्रिक्स बना के खाली पहले कंपनीज ले लूंगा, ठीक है, फिर डालता हूं रेशो, और इसको मैं अगर सॉर्ट करता हूं तो जेपियर है जो हाईएस्ट वैल्यूएशन है, जो आरओआई है हाईएस्ट, फिर आती है डूनामू, फिर आती है वर्कहुमन, फिर आती है सीएफजीआई, ऐसे करके हम इसका देख सकते हैं। इन कंपनीज की अगर मुझे डिटेल्स जाननी है कि कौन सी कंट्री है, कौन सी सिटी है, तो मैं इनको ऐड कर सकता हूं। अगर मैं यहीं पर ऐड करता हूं कंपनीज को तो क्या वो यूजफुल रहेगा? अगर मैं अफ्रीका पे जाता हूँ, नाइजीरिया में एक कंपनी है लागोस सिटी में, जो ये वाली सिटी में ये है मेरी कंपनी ओपे, OPAY। ऑलराइट, तो मुझे ओपे पे देख रहा हूँ तो मेरी फंडिंग 0.57 है, वैल्यूएशन इसकी $2 बिलियन है, तो मुझे इस पे अच्छा खासा रिटर्न मिल गया है, ठीक है। अब मैं कंपनी को सबसे ऊपर ड्रैग कर देता हूँ तो कंपनी लेवल पे आ जाएगा, तो काउंट ऑफ कंपनी का तो रेलेवेंस ख़त्म, क्योंकि एक ही कंपनी है, ठीक है। फंडिंग मुझे पता चिल गई, ठीक है। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो मुझे पता है ये कौन सी इसमें है, यूनाइटेड स्टेट्स में है, यूनाइटेड स्टेट्स में ज़िफायर कोव में है, राइट। लेकिन ये रेलेवेंस ऐसी मैट्रिक्स टेबल में नहीं बनेगा, तो मैं कंपनी को वापस लास्ट रो में डाल सकता हूँ, ठीक है। अब मुझे ये एनालिसिस पता चल रही है ज्योग्राफी वाइज कि यार अफ्रीका में मेरी 3 कंपनीज हैं, एशिया में 310 हैं,
इनका कंट्रीब्यूशन भी मैं निकाल सकता हूँ कि यार तीन कंपनीज हैं तो 3 out of 1074% कितनी है कंपनीज यूनिकॉर्न, राइट। तो मेरा एक ये बन जाएगा, इसको हम थोड़ा क्लीन कर देते हैं। यूनिकॉर्न्स, यूनिकॉर्न्स रखते हैं इसको हम, इसको हम रखते हैं फंडिंग, इसको और थोड़ा छोटा करने के लिए हम बिलियन की जगह खाली बी लिख सकते हैं, राइट। सेम विद वैल्यूएशन, दिस इज वैल्यूएशन टू फंडिंग। अच्छा, तो ये जो लिखा था वो सही है, इसको हम रेशियो लिख लेते हैं या आरओआई लिख देते हैं फॉर द टाइम बीइंग, ठीक है। अब हमें अफ्रीका अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो मेरी तीन कंपनीज जो ये हैं वो मेरी तीन कंपनी आ गई, ठीक है। तो ये सिंपल है, ऐसे हम इसको दिखा सकते हैं। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमारी दो मैट्रिक्स टेबल हैं, जो नीचे वाली टेबल है इसको मैं नॉर्मल टेबल भी कर सकता हूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैट्रिक्स टेबल तब यूज़ की जाती है जब हमारे पास मल्टीपल रोज़ हों और वो उसका रेलेवेंस हो। जैसे अगर हमने अफ्रीका को एक्सपेंड किया तो मेरी जितनी भी कंट्रीज़ हैं अफ्रीका में वो आ गई, अगर मैंने कंट्री को एक्सपेंड किया तो उसके अंदर जितनी भी सिटीज़ के अंदर मेरी यूनिकॉर्न है वो आ गया, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं एशिया सेलेक्ट करता हूँ, एशिया में चाइना में है, इसको जूम करके दिखाता हूँ, एशिया में चाइना में है, हांगकांग में है, इंडिया में है, इंडोनेशिया में है। इंडिया अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ, देर आर 65 यूनिकॉर्न्स इन इंडिया, इसको मैं एक्सपेंड करता हूँ तो अंधेरी में है, बेंगलोर में है, बेंगलुरु में है, बेंगलोर और बेंगलुरु सेम है। देखा जाए तो ये क्लीनिंग का पार्ट है, इसको मुझे क्लीन करना चाहिए बेंगलोर और बेंगलुरु को एक डिफाइन करके, टोटल मेरा काउंट आएगा 30। सिमिलरली गुड़गांव और गुरुग्राम, ये हमारा एक ही है गुरुग्राम, राइट। गुड़गांव था पहले, अब नाम चेंज होकर गुरुग्राम हो गया है, तो हमारी टोटल जो गुड़गांव में है यूनिकॉर्न्स 11 हो गया। ऐसे ही मुंबई 8 है, न्यू दिल्ली 3, नोएडा इज़ 1, पुणे इज़ 4, थाने इज़ 1, राइट। सो टोटल यूनिकॉर्न्स आर 1074 ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड जो बनी है एज ऑफ नाउ, ठीक है। इसको हम ज्योग्राफी में भी दिखा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कंट्री पे जाता हूँ तो अगर आप देखोगे तो समराइजेशन कुछ नहीं है, डेटा कैटेगरीज अनकैटेगराइज, इसको मैं सिलेक्ट करके कंट्री कर सकता हूँ तो पावर बी आई ऑटोमेटिकली समझ जाएगा ये कंट्री है मेरी, और कॉन्टिनेंट पे क्लिक करके डेटा कैटेगरी में कॉन्टिनेंट पे क्लिक करूँगा तो पावर बी आई अपना आप समझ जाएगा दिस इज़ कॉन्टिनेंट। सिमिलरली फॉर सिटी आई कैन सिलेक्ट सिटी। अगर आप ये आइकन देखोगे जो एटलेस बना हुआ है, वर्ल्ड एटलेस, अगर यहाँ पर आइकन आता है तो मतलब ये एक हमारी ज्योग्राफिकल लोकेशन है, ठीक है। अगर मैंने एक ग्राफ खोलता हूँ, इस पर अगर मैं कंट्री सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, तो आप देख सकते हो ये ब्लू डॉट्स दिख रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि उन जगह पे हमारी यूनिकॉर्न्स हैं। मैं अगर यहाँ पर कंपनीज भी डाल दूंगा तो कंपनी के बेसिस पे मेरे काउंट आ जाएंगे, वो मैं डालता हूँ बबल में। बबल साइज का मतलब होता है कि जो मेरे जो गोल गोल बबल्स हैं उन वो कितने बड़े होने चाहिए। बड़े का लॉजिक क्या है कि काउंट ऑफ कंपनी, जहाँ पर ज़्यादा कंपनीज होंगी उसका जो बबल साइज होगा बड़ा होगा। जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स, यहाँ पर कंपनीज ज़्यादा हैं जो यूनिकॉर्न बनी है तो इसका बबल बहुत ज़्यादा है। एशिया में चाइना का बड़ा लग रहा है, फिर इंडिया का भी ठीक ठाक है, ठीक है। तो आपको इससे बेसिक आइडिया लग जाता है कि कहाँ मेरे कितने यूनिकॉर्न्स हैं। आप देख सकते हो यूरोप में यहाँ पर स्कैटर्ड होके कितने सारे यूनिकॉर्न्स हैं, फिर आप यहाँ पर यूएसए में देख सकते हो और फिर देख सकते हो चाइना में और इंडिया में, बाकी सब जगह भी हैं अफ्रीका में तो 3 हैं।
साउथ अमेरिका में भी हैं पर कम है एज कंपेयर टू नॉर्थ अमेरिका। राइट, तो अगर हम इस ग्राफ को यहाँ पर ऐसे बनाते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है, इससे आपको आइडिया लग जाता है कि मेरा कहाँ पर कितना सेल हो रहा है या फिर कितनी कंपनीज यूनिकॉर्न है। कोई भी एनालिसिस करनी हो उस पर्टिकुलर मैटर के लिए आप सब कुछ एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मुझे और एनालिसिस करनी है, मुझे डालने हैं कि अगर मेरी वैल्यूएशन क्या है ईयर वाइज, ईयर वाइज वैल्यूएशन के लिए मुझे ये वाला ग्राफ चाहिए। दिस इज स्टैग्ड कॉलम चार्ट। ठीक है, इस पे मैंने डाला ईयर, यूनिकॉर्न ईयर। ठीक है, अब मैं यहाँ डालूंगा कंपनीज हमारी। ओके, सो मेरा जो यूनिकॉर्न ईयर है वो एक्स एक्सिस में आना चाहिए, तो मैंने इसको अपना आप चेंज कर दिया है। अगर आप देखोगे यहाँ पर तो मेरे 2010 से पहले भी मेरी कंपनीज हैं, तो उसका भी डेटा आ रहा है। ये है 2007 की और उससे पहले भी हैं, तो इसीलिए मेरा कॉलम चार्ट ऐसे बन के आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो डेटा है 2010 से आए, तो क्या मैं वो कर सकता हूँ? इस विजुअल को मैं फिल्टर पे जाके, फिल्टर ऑन दिस विजुअल यूनिकॉर्न ईयर में सिलेक्ट करके इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2010 कर सकता हूँ। अप्लाई फिल्टर और सीधा मेरा डेटा 2010 से आ जाएगा। सिमिलरली अगर मुझे 2015 से करना है, 2015 एंड बियॉन्ड, आई कैन क्लिक हेयर एंड अप्लाई फिल्टर। ठीक है, दिस लुक्स डिसेंट। आपको पता चल रहा है कि कौन से ईयर में कितने यूनिकॉर्न्स आ रहे हैं। डेटा लेबल को मैं ऑन कर दूंगा तो पता चल जाएगा 2021 में 520 यूनिकॉर्न्स बने हैं, 2022 में 116 हैं। तो आप देख सकते हो ये जो पैटर्न है हमारा इंक्रीज होते होते 2021 में ड्रास्टिकल शिफ्ट आया था। 2020 में 108 थे, 108 से सीधा 520 और फिर जाके 2022 में 116, एक नॉर्मलाइज्ड ग्राफ बन गया है। ऑलराइट, अब हमने ईयर वाइज देख लिया है। अगर मैं देखता हूँ फॉर एग्जांपल 2021 पे मैंने सिलेक्ट किया, तो मुझे दिख रहा है कि आउट ऑफ ऑल दीज कंपनीज इंडस्ट्री वाइज 138 आर फिनटेक। फिर सेकेंड नंबर पे आता है इंटरनेट सॉफ्टवेयर विद 119। थर्ड नंबर पे अगेन ई कॉमर्स विद 47। फोर्थ पे आता है हेल्थ, जो हेल्थ केयर सेक्टर है। 40 कंपनीज हमारी यूनिकॉर्न बनी थी 2021 में। ऑलराइट, अब हम अगर 2022 जो करंट ईयर है उसको सिलेक्ट करते हैं, तो दिखता है कि नंबर वन पे फिनटेक है, सेकंड पे हमारी इंटरनेट सॉफ्टवेयर है, थर्ड पे ई कॉमर्स नहीं है, थर्ड पे है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI। तभी हम कहते हैं कि आज के टाइम पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बहुत ज़्यादा फंडिंग हो रही है। फ्यूचर हम देख पा रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग से रिलेटेड बहुत कुछ आने वाला है। इसीलिए अगर आप भी डेटा एनालिस्ट हैं, पावर बी आई, SQL आप समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इसके साथ साथ NLP, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी घुसना चाहिए। थोड़ा अंडरस्टैंडिंग ग्रैप करो, उसके बाद अगर आपको इंटरेस्टिंग लगे तो उसको परस्यू करो। ऑलराइट, तो अब हमने ये वाले ग्राफ्स बना लिए हैं। इससे पहले आगे चलें, मैं अगर डेटा कार्ड्स बना लूँगा तो उससे हमें आइडिया लगेगा कि क्या हमारे नंबर्स हैं। तो सबसे पहले मुझे चाहिए टोटल वैल्यूएशन। ठीक है, मैंने एक डेटा कार्ड क्लिक किया, मैं डालता हूँ वैल्यूएशन। ठीक है, विच इज़ इन बिलियन डॉलर्स, सो इट इज़ 3711। राइट, तो अगर मुझे इसको बिलियन डॉलर्स में लिखना है तो मैं कैसे लिख सकता हूँ? या तो मैं सीधा वैल्यूएशन वाला फॉर्म कॉलम पकड़ूँ। अभी मैं ये वाला वैल्यूएशन पकड़ रहा हूँ जिसमें खाली नंबर्स हैं। राइट, या फिर मैं ये पकड़ लूँ, लेकिन ये भी ठीक है। इसको अगर मैं यहाँ पर जाके होम बटन पे जाके वैल्यूएशन की अगर फॉर्मेटिंग पे जाके मैं करेंसी कर देता हूँ तो मेरा सीधा डॉलर्स आ जाएगा। राइट, और इसको वापस मैं फॉर्मेटिंग में जाके वैल्यूज़ में डिस्प्ले यूनिट्स नन, राइट, डेसिमल वैल्यूज़ वन,
or 0 is fine, right? So I can see it is 3711 in billions. या फिर अगर मेरे को करेंसी में नहीं डालना है वापस, मैं इसको होल नंबर पे डाल सकता हूँ. ठीक है, अब इसकी थोड़ी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, थोड़ा लुक एंड फील इसका बढ़ा देते हैं. जो वैल्यू है मेरी वो होगी बाद में करते हैं, पहले इसका बैकग्राउंड करते हैं. इफ़ेक्ट्स में बैकग्राउंड हम लेते हैं, थोड़ा डिफरेंट लेते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं पर्पल. पर्पल अच्छा नहीं लगेगा इसमें, बिकॉज़ हमारा जो पूरा थीम है वो ब्लू और लाइट ग्रे वाले टच में है. ठीक है, तो इसको हम या तो ब्लू ही रखेंगे या फिर ये भी रख सकते हैं, दिस इज़ ऑल्सो लुकिंग गुड. ठीक है, ट्रांसपेरेंसी हम इसकी रखते हैं 20%. और राइट, अब आते हैं हम विजुअल पे, कॉल आउट वैल्यू. अब मुझे कलर इसका रखना है वाइट. ठीक है, और इसको रखेंगे हम 30. अगर मेरा जो डेटा कार्ड है इसका साइज़ ये रखेंगे. ठीक है, अब मेरे को जाना है लेबल पे, इसको मैं करूँगा बोल्ड. कलर इसका भी होगा समथिंग रिलेटेड टू लाइट, मे बी वाइट और ब्लैक विल नॉट मैच. अगर हम ग्रे करते हैं तो ग्रे ठीक लगेगा, लेकिन कुछ डिफरेंट होना चाहिए, राइट? फ़िलहाल के लिए मैं अगर इसको ऐसे ही रखता हूँ, और मुझे यहाँ पर जाके चेंज करना है इसको वैल्यूएशन इन डॉलर बिलियन. ऑलराइट, अब जाके मैं इसकी वैल्यू को, साइज़ को छोटा करूँगा तो थोड़ा इम्प्रूवमेंट होगी, मे बी 18. राइट, नाउ दिस लुक्स बेटर. इसकी अगर मुझे शेप चेंज करनी है, प्रॉपर्टीज़ में नहीं होगा, इफ़ेक्ट्स में हो सकता है, विजुअल बॉर्डर ऑन, राइट, राउंडेड कॉर्नर्स मे बी 7, कलर अगेन दिस सो दैट आई डोंट सी द बॉर्डर, शेडो इफ आई मेक इट समथिंग ऑफ 3D इफेक्ट, आउटसाइड पोजिशन मे बी बॉटम और बॉटम राइट. अगर आप देखोगे अब ये मेरा डिसेंट लग रहा है, राइट? अब मैं इसकी वैल्यू भी 16 कर देता हूँ. परफेक्ट, अब मुझे दिख रहा है कि मेरी वैल्यूएशन है 3711 है. अगर मैं फिनटेक पे क्लिक करता हूँ तो मेरी वैल्यूएशन चेंज हो जाएगी. इंटरनेट सर्विस पे करता हूँ क्लिक तो वैल्यूएशन मेरी चेंज होगी. तो इट इज़ ऑल इंटरैक्टिव, राइट? इसको अगर चेंज करना होगा बाद में, कलर कोडिंग और बाद में हम थोड़ा इम्प्रोवाइज कर लेंगे. फॉर द टाइम बिंग हम यही रखते हैं. यहाँ पर मेरा आ जाएगा फंडिंग, ठीक है, इसमें लिखते हैं फंडिंग इन बिलियन डॉलर. जो ये फंडिंग है इसको हमें कॉमर्स डालने हैं, तो मैं इसको कॉमा क्लिक कर देता हूँ. अगर नहीं है तो आ जाएगा. सेम विद वैल्यूएशन, गुड, ओ इट इज़ ऑलरेडी देयर. ऑलराइट, सो नाउ इफ आई गो फॉरवर्ड, डेटा कार्ड कैन बी नंबर ऑफ कंपनीज, राइट? नंबर ऑफ कंपनीज कैन बी कंपनी काउंट. इट इज नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स. अब इसमें डालते हैं हम नंबर ऑफ कंट्रीज,
राइट, अब हमारे पास नंबर ऑफ कंट्रीज आ गई है, अब हम और क्या डाल सकते हैं, नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज, ये आपकी इमेजिनेशन पे है या फिर कंपनी की रिक्वायरमेंट पे है कि आपको क्या क्या चाहिए। इसमें आप बहुत चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन सब चीज़ें भी ज़रूरत नहीं होती हैं कभी कभी। अब हमारे पास नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज भी आ गया है, नंबर ऑफ कंट्रीज आ गया था, बाकी हम और क्या डाल सकते हैं, फंडिंग हो गया है, वैल्यूएशन हो गया है हमारा, और या तो हम सिटीज़ भी डाल दें, नंबर ऑफ सिटीज़, देन नंबर ऑफ कॉन्टिनेंट्स। इसके अलावा हम देख लेते हैं यहाँ पर, इंडस्ट्रीज़ हो गया है, डेट ऑफ जॉइनिंग हो गया है, सिटी, कंट्री, कॉन्टिनेंट, ईयर फाउंडेड, फंडिंग, देन इन्वेस्टर्स। राइट, इन्वेस्टर वाला जो पार्ट है इसको हम बाद में समझेंगे क्योंकि थोड़ा सा ही ट्रिकी है, ठीक है? तो अभी हम पहले बाकी चीज़ें निपटा लेते हैं, ठीक है? अभी के लिए हम ये नहीं चाहते कि नंबर ऑफ कंट्रीज कित सिटीज़ कितनी है, नहीं तो अगर करना भी है तो आप सिटी को क्लिक करोगे, यहाँ डाल के इसको काउंट कर लोगे, या फिर डिस्टिंक्ट काउंट। मेरी जो कंट्रीज़ हैं अभी डिस्टिंक्ट कंट्रीज़ हैं, करेक्ट, और सिटी भी डिस्टिंक्ट हो गए, परफेक्ट। ऐसे ही हम कॉन्टिनेंट कर लेते हैं, अगर मैं सिंपल काउंट लेता हूँ, आप देखोगे कि जो कॉन्टिनेंट है वो हर रिकॉर्ड का काउंट हो रहा है, 1074, लेकिन मुझे चाहिए डिस्टिंक्ट। मेरी 7 कॉन्टिनेंट से ज़्यादा कभी हो ही नहीं सकती ना, पूरे वर्ल्ड में 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं, तो या तो 7 होंगे या उससे कम होंगे, हमें एक लेना है काउंट ऑफ डिस्टिंक्ट। तो हमारे आउट ऑफ 7, 6 कॉन्टिनेंट्स में यूनिकॉर्न्स हैं, जो 7th कॉन्टिनेंट है वो एंटार्क्टिका। आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा कोई यूनिकॉर्न हो नहीं सकता है, वहाँ पर कंपनीज नहीं है, वो एक हैबिटेबल कॉन्टिनेंट नहीं है, वहाँ पर आप रह नहीं सकते हो। राइट, अब हमें क्या करना है, इसको अलाइन करना है, इसको पहले मैं इसको एंड पे ले लेता हूँ। अब हम इसको अलाइन कर देंगे, फॉर्मेट पे जाके अलाइन डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली। राइट, अब हमारा ये थोड़ा क्लीन हो गया है, अब आपको समझ भी आ रहा होगा। मैं इंडस्ट्रीज़ को पहले ले लेता हूँ, इससे क्या होगा कि जितनी भी ज्योग्राफी, कंट्रीज, सिटी, कॉन्टिनेंट सब इकट्ठे आ जाएगी। नंबर ऑफ कॉन्टिनेंट्स, ऑलराइट, नाउ यू कैन सी ऑल द डेटा कार्ड्स। अगर मैं फिनटेक को करता हूँ क्लिक, सारा मेरा डेटा चेंज जाएगा, इंटरनेट सर्विस को क्लिक करूँगा, डेटा मेरा सारा चेंज जाएगा। सो इट इज़ ऑल इंटरैक्टिव एंड वेरी यूजफुल, ठीक है? तो हमारा ये वाला पार्ट हो गया है। अगर हम इंस्ट्रक्शंस पे आते हैं, विच यूनिकॉर्न कंपनी हैज़ हैव द बिगेस्ट ROI, ये हमने कर लिया है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर अ कंपनी टू बिकम अ यूनिकॉर्न, ठीक है? तो अगर कितना टाइम लग रहा है वो कैसे कैलकुलेट होगा, उसके लिए हम पहले जाते हैं टेबल पे। हमारे पास यूनिकॉर्न ईयर है, यूनिकॉर्न ईयर, करेक्ट, और हमारे पास ईयर फाउंडेड है, तो इसका हम डिफरेंस ले लेते हैं। नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू यूनिकॉर्न ईयर माइनस ईयर फाउंडेड। तो ये हमारे पास आ गया नंबर ऑफ ईयर्स कि कितने टाइम लग रहा है। एक कंपनी है जिसमें -4 है और एक 0 है, वो देख लेते हैं क्या है। 0 वाला बाद में देखते हैं, जो -4 है, यूनिकॉर्न ईयर 2017, फाउंडेड 2021। दिस इज स्ट्रेंज, या तो कोई डेटा में एरर है, ये 17th अक्टूबर 2017 में यूनिकॉर्न बना है लेकिन फाउंडेड 2021 है। राइट, तो हम इसको एक एज एन एक्सेप्शन ले लेते हैं, ठीक
ठीक है, जहाँ पर भी नेगेटिव है उसको हम जीरो रख लेंगे। और ये जो कंपनी है 2020 में फाउंड हुई, उसी टाइम पे यूनिकॉर्न बन गई हैं। जैसे मेंसा ब्रांड, ये इंडियन कंपनी है, राइट। फिर ये ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, दिस इज़ ऑल्सो इंडियन कंपनी। देन इफ़ यू टॉक अबाउट इंडियन ग्लोबल बीज, दिस इज़ ऑल्सो इंडियन। देन प्लेको इज़ इन टोक्यो जापान, दिस इज़ बीजिंग। देन कैंडी डॉट कॉम, दिस इज़ इन न्यूयॉर्क। देन अवंट इज़ इन शिकागो, राइट। सो दीज आर द कंपनीज विच आर फंडेड, और यू कैन से बिकेम यूनिकॉर्न इन द सेम ईयर, राइट। यहाँ पर हम एक कंडीशन लगाएंगे, इफ दिस वैल्यू इज लेस देन जीरो देन जीरो, अदरवाइज दिस कंपनी। ऑल राइट, तो यहां हमारा जो माइनस फोर है वो जीरो बन जाएगा। ऑल राइट, तो हमारे पास नंबर ऑफ ईयर्स आ गए हैं हर कंपनी के, ठीक है। तो अगर मुझे एवरेज लेना है तो मैं वो निकाल सकता हूँ, राइट। अब वापस जाते हैं, हाउ लॉन्ग डज इट यूजली टेक फॉर अ कंपनी टू बिकम अ यूनिकॉर्न। अगर मैं एक डेटा कार्ड लेता हूँ, ठीक है, मैं इसमें डालता हूँ नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है, ये सम आ रहा है अभी मेरा नंबर ऑफ ईयर 7523। मुझे चाहिए एवरेज, तो मैं यहाँ पर क्लिक करके एवरेज क्लिक करूँगा तो मेरा आ रहा है 7। मैं डेटा इस पे फॉर्मेट पे जाऊँगा, वैल्यू पे, डिस्प्ले यूनिट्स नाना, इसमें डेसिमल में 2 भी डालता हूँ तो 7.00 आ रहा है। तो इससे हम देख सकते हैं कि 7 ईयर्स लग रहे हैं ऑन एन एवरेज फॉर अ कंपनी टू बिकम अ यूनिकॉर्न फ्रॉम देयर फाउंडेड ईयर। जिस दिन वो कंपनी शुरू करती है, रजिस्टर करती है अपने आप को, उससे यूनिकॉर्न बनने में 7 साल लग रहे हैं ऑन एन एवरेज। किसी को 15 साल लग रहे हैं, किसी को 2 साल लग रहे हैं, ओवरऑल ऑन एन एवरेज 7 ईयर्स लग रहे हैं। ऑलराइट, तो ये हमें पता चल गया। अब हम फाइनल क्वेश्चन पे आ चुके हैं, विच इन्वेस्टर्स हैव फंडेड द मोस्ट यूनिकॉर्न्स। अब इसके लिए पहले मैं वापस डेटा सेट पे जाना चाहूँगा। डेटा सेट पे अगर आप देखोगे, ये कॉलम जो है सिलेक्ट इन्वेस्टर्स, तो हर एक कंपनी, जो भी कंपनी है, स्ट्राइक कंपनी है, इसको खोसला वेंचर्स, लोअर केस कैपिटल और कैपिटल जी ने इन्वेस्ट किया है, ठीक है। ऐसे ही करके आप देखोगे हर एक कंपनी के इन्वेस्टर्स हैं। तो मुझे ये जानना है इनमें से कौन सा वो इन्वेस्टर है जिसने मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपनीज में इन्वेस्ट किया है। तो उसके लिए मुझे थोड़ा बहुत इस डेटा को ना ट्वीक करना पड़ेगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर सेल में मेरे पास मल्टीपल इन्वेस्टर्स का नाम है और हर एक कंपनी के 3 या 4 या 2 कितने भी कंपनी के इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, राइट। तो मुझे पहले तो इनको क्या है वो करना पड़ेगा, आपको स्प्लिट करना पड़ेगा, राइट। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एडिटर पर जाऊँगा, एडिट क्वेरी, ऑल राइट। इसमें एक ऑप्शन होता है, आप एक जो टेबल है इसका रेफरेंस भी ले सकते हो। तो मैं बताता हूं इसका मतलब क्या है। मैंने रेफरेंस लिया, इसको डाल दिया इन्वेस्टर्स डेटा फॉर एग्जांपल। तो जब भी मेरा ये यूनिकॉर्न अंडरस्कोर कंपनीज जो डेटा सोर्स से आ रहा है, ये जब भी डेटा रिफ्रेश होगा, मेरा इन्वेस्टर्स डेटा जो न्यू टेबल है ये भी ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होगी। इट इज़ जस्ट अ डुप्लीकेट, यू कैन से, बट डुप्लीकेट में क्या होता है, वो ऑटोमेटिकली रिफ्रेश नहीं होता। जैसे यहाँ डुप्लीकेट ऑप्शन है या रेफरेंस ऑप्शन है, मैंने अगर डुप्लीकेट क्रिएट किया होता तो डेटा जब भी मेरा यूनिकॉर्न अंडरस्कोर कंपनीज में रिफ्रेश होता तो डुप्लीकेट टेबल में रिफ्रेश नहीं होता, वो बस एक रेप्लिका बन के खत्म हो जाता, स्टैटिक रहता। अभी मैंने रेफरेंस लिया है कि जितना भी डेटा यहाँ पर रिफ्रेश हो रहा है, मेरा इन्वेस्टर्स डेटा में रिफ्रेश होते ही जाएगा, ठीक है। अब इसमें मुझे क्या करना है, इसमें जो ये सिलेक्ट इन्वेस्टर्स है इसको मुझे पहले स्प्लिट करना है। तो मैं राइट क्लिक करूँगा, इस पर जाके ट्रांसफॉर्म नहीं, इसमें स्प्लिट कॉलम, स्प्लिट कॉलम बाय डिलिमिटर या फिर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बाय पोजिशंस। मुझे क्या है, मुझे स्प्लिट करना है ऑन द बेसिस ऑफ कॉमा, जो ये आपको कॉमा दिख रहा है। तो यहाँ स्प्लिट कॉलम बाय डिलिमिटर, ऑल राइट। फिर यहाँ पर सिलेक्ट और एंटर डिलिमिटर, यहाँ कॉमा ऑलरेडी सिलेक्टेड है। ईच ऑकरेंस पे मुझे इसको स्प्लिट करना है,
या तो होता कि मुझे लेफ्ट मोस्ट करना है या राइट मोस्ट करना है, इसमें मुझे हर एक कॉमा पे स्प्लिट करना है, राइट। अब इसमें मुझे एक और चीज़ क्या करनी है, पहले मैं इसको स्प्लिट करके दिखाता हूँ, ओके करता हूँ। तो आप देखोगे हर एक कंपनी का, जैसे बाइट डांस है, इसका इन्वेस्टर वन है सिक्वा कैपिटल चाइना, देन SIG एशिया इन्वेस्टमेंट्स, थर्ड इज सीना वीबो, एंड फाइनली सॉफ्ट बैंक ग्रुप्स, राइट। तो ऐसे चार इन्वेस्टर्स हैं, लेकिन मुझे क्या दिख रहा है कि चार जो इन्वेस्टर्स हैं हर एक अलग कॉलम में है, राइट। अगर मुझे इन्वेस्टर के बेसिस पे एनालिसिस करनी है तो मुझे एक कॉलम के अंडर नहीं मिल रहा, ये चार कॉलम्स में मिल रहा है। तो मुझे जो ये स्प्लिट किया है ना, इसकी मुझे डेफिनेशन चेंज करनी पड़ेगी। तो मैं पहले इस स्टेप को डिलीट करता हूँ, इस डिलिमिटर वाले स्टेप पे वापस जाता हूँ, जो ये एडवांस्ड ऑप्शन है इस पर क्लिक करके स्प्लिट इनटू कॉलम्स की बजाय मुझे रोज में करना है। मैं इसका डिफरेंस बताऊंगा क्या हो रहा है। अभी वो कॉलम स्प्लिट हो रहा है, अगर चार कंपनी नेम्स है वो तो चार कॉलम्स बन रहे हैं, करेक्ट। अभी स्प्लिट इनटू रोज, क्लिक ओके। अब क्या हो रहा है कि अगर मैं एक कंपनी देखता हूँ बाइट डांस, बाइट डांस के चार इन्वेस्टर्स हैं तो चार रोज बन गए, बाइट डांस 1, 2, 3 एंड 4। अगर मैं इस कॉलम तक जाता हूँ, इस रो तक, और सिलेक्ट इन्वेस्टर्स देखता हूँ, तो सॉफ्ट बैंक ग्रुप आ गया, देन सीना वीबो, SIG एशिया इन्वेस्टमेंट, सिक्वा कैपिटल चाइना। अब इसका फ़ायदा या नुकसान क्या है? फ़ायदा ये है कि जो इन्वेस्टर्स हैं मेरे, सारे के सारे इन्वेस्टर्स एक ही कॉलम में है। तो अब मेरे को एनालिसिस अगर इन्वेस्टर के बेसिस पे करनी है, मैं सीधा ये वाला कॉलम फिल्टर कर सकता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं वापस जाता हूँ, लेट्स क्लोज दिस और लेट्स क्लोज फ्रॉम हेयर, राइट, एंड सेव द चेंजेस। अब ये देखोगे आप लोड करते हुए नई टेबल बना रहे हैं इन्वेस्टर्स डेटा, विच इज जस्ट अ रेप्लिका ऑफ यूनिकॉर्न अंडरस्कोर कंपनीज। अब मैं अगर नया पेज सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर एक फिल्टर डालता हूँ कंपनी का, ठीक है, और अभी मैं अगर एक डेटा कार्ड डाल देता हूँ या फिर बार चार्ट डालता हूँ, और यहाँ पर मुझे डालना है इन्वेस्टर्स, राइट, और इसी पे मेरे को कंपनी भी डालनी है। कंपनी मेरी लेजेंड में चलेगी, इसको मुझे चाहिए एक्स एक्सेस में, ऑलराइट। अगर मैं इसको बड़ा करता हूँ और डेटा कार्ड भी बढ़ा देता हूँ, डेटा लेबल ऑन कर देता हूँ, तो अगर आप देखोगे यहाँ पर जो टाइगर ग्लोबल मैनेजमेंट है, ये 41 कंपनीज में इसने इन्वेस्ट किया है, देन एक्सेल जो है इसने 32 कंपनीज में इन्वेस्ट किया है, देन सिक्वा कैपिटल ने 30 कंपनीज में इन्वेस्ट किया है, सिक्वा कैपिटल चाइना ने 30 कंपनीज में इन्वेस्ट किया है। तो आप इसको देख सकते हो हर एक जो इन्वेस्टर है उसने कितनी कंपनीज में इन्वेस्ट किया है, इस एनालिसिस के वजह से ये पॉसिबल हुई है। अगर आपको मैं बोलता जो सिंपल ये वाला कॉलम है इसके बेसिस पे एनालिसिस करो, तो मैं अगर इसको लेता, मैं अगर नया पेज ले जाता, खोल देता हूँ और सेम बार चार्ट लेता हूँ, एंड देन आई टेक दिस टेबल यूनिकॉर्न अंडरस्कोर कंपनीज, इसमें लेता हूँ मैं सिलेक्ट इन्वेस्टर्स, फिर लेता हूँ कंपनीज और इसको एक्स एक्सेस में ड्रैग करता हूँ, तो आप देखोगे कि क्या आ रहा है। अब इसमें मेरा नंबर वन सिक्वा कैपिटल आ गया, देन जनरल अटलांटिक आ गया, देन ग्लोबल फाउंडर्स कैपिटल, शिया वेंचर्स, ग्रे क्रॉफ्ट, ये जहाँ पर भी मेरा मल्टीपल होगा वो उसके बेसिस पे ही आएगा। अब मुझे डेटा लेबल भी इसमें ऐड करने दो, उससे और क्लैरिटी आएगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब आप देखोगे नंबर वन है सिक्वा कैपिटल, इसने खाली 3 कंपनी में इन्वेस्ट किया है, क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पर अगर मैं देखूँगा सिक्वा कैपिटल ने 30 कंपनीज में इन्वेस्ट किया है, और सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर जाके सिक्वा कैपिटल सिलेक्ट करता हूँ, ऑलराइट, एंड देन आई क्लिक ओके, तो आप देखोगे कितनी कंपनीज हैं, काफ़ी सारी कंपनीज में आ रहे हैं सिक्वा कैपिटल। अब इसमें क्या है, सिक्वा कैपिटल और सिक्वा कैपिटल चाइना सब आ रहे हैं, लेकिन अगर मैं खाली देखना चाहूँ यहाँ पर डेटा कार्ड में,
इसमें सिक्योर कैपिटल खाली तीन कंपनीज में आ रहा है, क्योंकि वो एक तीन ये तीन ऐसी कंपनीज हैं जहां पर सिक्वा कैपिटल ही है और कोई इन्वेस्टर ही नहीं है, राइट। सो दिस इज हाउ इट इज फिल्टर्ड। तो ज्यादातर आपको एक ही दिखेगा क्योंकि एक में ही तीन कंपनीज या चार कंपनीज हैं। ऑल राइट, सो दिस इज रॉन्ग एनालिसिस। दैट्स वाई वी हैव टू स्प्लिट द कॉलम्स, मे बी इन द रोज और द कॉलम्स, एंड देन सी विच एवर इज द हाइएस्ट इन्वेस्टर। तो टाइगर ग्लोबल मैनेजमेंट ये हाइएस्ट है, इसी का अगर मुझे वो चाहिए कितना इसने इन्वेस्ट किया तो वो भी मैं डाल सकता हूँ, राइट। लेकिन अब इसमें क्या है कि मेरे को इनका स्प्लिट नहीं पता। जैसे एग्जांपल ये है मैट्रिक्स पार्टनर चाइना, सिक्वा कैपिटल चाइना, हंड्रेड्स कैपिटल, इन्होंने जो फंडिंग उठाई है दी है 389 मिलियन की है, राइट। लेकिन 389 में से कॉन्ट्रीब्यूशन मैट्रिक्स पार्टनर्स चाइना देन सिक्वा कैपिटल चाइना का क्या क्या है वो मुझे नहीं पता, राइट। या तो हम इसको 50% के हिसाब से कर लें, तीन इन्वेस्टर्स हैं तो 1/3 हो जाए, लेकिन वो एक सही तरीका नहीं है। तो लिमिटेड डेटा है तो उसके बेसिस में मैं इंडिविजुअल फंडिंग या इंडिविजुअल इन्वेस्टर का कितना उसने फंड किया है वो नहीं बता पाऊंगा। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ वी कैन एड्रेस दिस क्वेश्चन, विच इन्वेस्टर्स हैव फंडेड द मोस्ट यूनिकॉर्न्स। तो इसमें मेरा आंसर हो जाएगा टाइगर ग्लोबल मैनेजमेंट हैज़ फंडेड द मोस्ट नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स, देन SL इज द सेकेंड नंबर वन, सिक्वा कैपिटल इज थर्ड, फोर्थ इज सिक्वा कैपिटल चाइना, देन फिफ्थ इज सॉफ्ट बैंक ग्रुप, राइट। सो दिस इज हाउ यू कैन एनालाइज। नाउ कमिंग बैक टू माई डैशबोर्ड, अब इस डैशबोर्ड को मुझे ना थोड़ा एस्थेटिकली गुड फील देना है, गुड फील फैक्टर। तो हमने यही एंड किया था जब हम पहले के क्वेश्चन एड्रेस कर रहे थे, राइट। अब इसको मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, ये मेरा यहाँ पर आएगा टेबल, राइट। इस मैप को मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ शिफ्ट, ऑलराइट। इस मैप को हम ले जाएंगे यहाँ तक, ये जो हमारा मंथ वाइज है इसको मुझे पूरे पे लेके जाना है, अगर आपको कोई भी स्टेप डाउटफुल लगता है या समझ नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको एड्रेस कर सकता हूँ मेल बाय मेल, आप पर्सनली हम कनेक्ट कर सकते हैं, वी कैन डिस्कस। जहाँ पर भी आपको डाउट होता है विजुअलाइजेशन में, डैक्स में या मॉडलिंग में, रिलेशनशिप में, देन डू लेट मी नो, ऑलराइट। इसको मैं छोटा कर देता हूँ, V2F रेशियो, और मैं इसको सॉर्ट कर देता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ V2F रेशियो। आप देखोगे ज़ेपियर इज नंबर वन इन टर्म्स ऑफ V2F रेशियो, इस पर सबसे ज़्यादा पैसा मिला है इन्वेस्टर्स को। सिमिलरली मुझे एक और ग्राफ बनाना है, इसको मैं सेंड बैकवर्ड कर सकता हूँ या सेंड टू बैक कर देता हूँ जिससे मेरा मैप ऊपर आ जाए, ऑलराइट। इसका जो मेरा टाइटल है इसको मेरे को मिडिल में करना है, तो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट मिडिल, या
Yeah, so now this looks good. Similarly, my chart, this also sent to back. Right. अब इसको मैं थोड़ा फॉर्मेट कर देता हूँ. कॉलम हेडर्स, टेक्स्ट कलर कैन बी वाइट, बैकग्राउंड कैन बी डार्क ब्लू. राइट, इट कैन बी बोल्ड और नॉट रिक्वायर्ड. इट कैन बी फिल्टर्ड ऑन द और मे बी सॉर्टेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स. नंबर वन इज नॉर्थ अमेरिका. राइट, सो दिस कैन बी लाइक दिस. नाउ इफ आई ड्रिल डाउन ऑन नॉर्थ अमेरिका, सो दिस इज हाउ इट विल शो मी. फर्स्ट इज यूनाइटेड स्टेट्स एंड कैनेडा, मैक्सिको, बहामास, बर्मुडा. राइट, नाउ इफ आई ड्रिल डाउन आई विल सी यूरोप इज इन वाइट. दिस डजेंट लुक गुड. सो व्हाट आई विल सी इज गो टू रो हेडर्स. टेक्स्ट कलर शुड बी मे बी डार्क ब्लू. बैकग्राउंड कैन बी वाइट. राइट, इफ आई गो बैक, नाउ सी इफ आई ड्रिल डाउन अगेन नॉर्थ अमेरिका, इट इज डार्क ब्लू. नाउ दीज आर ब्लैक, सो दिस इज फाइन. इफ यू वॉन्ट टू मेक दिस ऑल्सो ब्लू, आप कर सकते हो. साउथ यूनाइटेड स्टेट्स को आपने फिल्टर किया, देन यू कैन सी इसके अंडर जितने भी मेरी सिटीज हैं, सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क, उसका डेटा मेरा आ रहा है. राइट, सो दिस इज वॉट वी वर प्लानिंग टू डू. हमारा ये वाला पार्ट भी हो गया है. राइट, अब इसका मेरे को थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा करना है. अच्छा, ये रो हेडर्स हैं, मुझे करना है कॉलम हेडर्स का. राइट, एक सेकेंड, इसको हमने ऐसे कर दिया. और मुझे जो इसका टेक्स्ट है इसको हेडर अलाइनमेंट करनी है मिडल. परफेक्ट. राइट, दिस लुक्स बेटर. ऐसे ही मुझे एक और चार्ट बनाना पड़ेगा नीचे डालने के लिए. ऑलराइट, नाउ अगेन गो टू फॉर्मेट, सेंड टू बैक. ऑलराइट, अब मुझे यहाँ पर टॉप 10 कंपनीज चाहिए, तो इसको फिल्टर करूँगा मैं. V2F रेशो या फिर कंपनीज, गो टू एडवांस्ड और लेट्स से गो टू टॉप 10. क्लिक टॉप 10 ऑन द बेसिस ऑफ रेशो. ऑलराइट, सो नाउ यू कैन सी आपके पास टॉप 10 कंपनीज आ गई हैं. इसी का मुझे अगर वैल्यूएशन भी डालना है, मैं इसके आगे वैल्यूएशन डाल सकता हूं. अब ये वाला जो वैल्यूएशन मैंने डाला है वो इसके बेसिस पे वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि मैंने ये वाला इन्वेस्टर्स डेटा से डाला है. बजाय मुझे इसके डालना चाहिए. तो आपको यहाँ पर यह भी पता चल जाएगा कि क्या मैपिंग हो रखी है. अगर मैंने इन्वेस्टेड डेटा डाला, जो रेफरेंस टेबल है उससे मैंने वैल्यूएशन डाला, तो आप देख सकते थे मेरी वैल्यूज सारी सेम है. 10,850 सारी सेम आ रही है, तो मतलब कोई लिंकेज ही नहीं है बिल्ड. राइट, विच इज परफेक्टली फाइन. अब इसको आप लिख सकते हो वैल्यूएशन इन डॉलर बिलियन. राइट, सिमिलरली अगर मुझे इसका भी फॉर्मेट करना है, मैं इसी के बेसिस पे कर लेता हूँ फॉर्मेट पेंट. राइट, अब इसका मुझे हेडर का जो फॉन्ट साइज है वो थोड़ा सा छोटा करना है. राइट, नाउ इट लुक्स गुड.
अब इसका भी हेडर हम चेंज कर सकते हैं, गोइंग टू टाइटल लिख सकते हैं, ये हमारा है यूनिकॉर्न ईयर नंबर ऑफ कंपनीज। That became unicorn. Alright, so this is how you can change. इसका भी अगर मुझे font change करना है तो मैं इसका copy कर सकता हूँ format paint and click here. Alright, so everything is formatted. Perfect. ऐसे ही मेरे को header भी बनाना है तो insert करके मैं text box कर सकता हूँ include. This is my unicorn analysis. Right. अगर मैं इसका bold कर देता हूँ, font मुझे चाहिए white. Size can be 14, for example. Now, if I go to effects, background should be off. राइट अब हम देखते हैं तो मुझे लगता है इसका फॉन्ट साइज छोटा है तो हम इसको कर देते हैं 20. दिस लुक्स डिसेंट. ऑलराइट अब मुझे बनाने हैं फिल्टर्स. तो फिल्टर्स के लिए मुझे एक बनाना है पैनल. तो मैं पहले क्या करूंगा, इंसर्ट पे जाऊंगा, शेप पे जाऊंगा, ये वाला शेप नहीं, मुझे जाना है शेप सिंपल रेक्टेंगल, सिलेक्ट हेयर. राइट दिस विल स्टे ऑन द टॉप. अब मैं अगर व्यू पे जाता हूँ, बुकमार्क पे जाता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास कोई भी बुकमार्क नहीं है. सिलेक्शन पे जाता हूँ तो यहाँ पर मेरा एक फिल्टर पैनल बना हुआ है. राइट इसको मैं इसको व्यू करता हूँ तो मेरा फिल्टर पैनल आना चाहिए. राइट लेकिन अभी नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पर मेरा एक सिलेक्टेड है. एक सेकेंड, इसको मैं ऑफ करता हूँ तो वो गायब हो जाएगा. ऑन करता हूँ तो मेरा जो फिल्टर पैनल है वो दिखने लग जाएगा. इसको मैं करता हूँ फॉर्मेट bring to front, इसको टॉप पे ले आता हूँ. राइट अगर आप देखोगे तो अब आपका ये पैनल बन गया है, तैयार हो चुका है. इसको यूनिकॉर्न ईयर रखते हैं, इसको हम रखेंगे यूनिकॉर्न कंपनी. फिर हम रखेंगे इंडस्ट्री, फिर हम रखेंगे इसको लेट्स से कंट्री, और उससे पहले या तो रखते हैं हम कॉन्टिनेंट. ठीक है फिर हम रखेंगे कंपनी और लेट्स से कंट्री, देन फाइनली विल सिलेक्ट सिटी. और एक तो हमारे ये फिल्टर्स आ गए हैं. सिंपली अगर मुझे इसका बनाना है, लेट्स से इफ आई सिलेक्ट 2007, तो मेरा जो डेटा है सारा 2007 के लिए आ जाएगा. ऐसे 2021 सिलेक्ट करता हूँ तो सारा डेटा मेरा 2021 के लिए आ जाएगा. ऑलराइट डिफॉल्ट हम रखते हैं कोई भी ईयर सिलेक्ट नहीं करना है. अगर मैं एग्जांपल वन पासवर्ड एक कंपनी है उसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये डेटा मेरा सारा उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए आ जाएगा. राइट सो दिस इज हाउ वी कैन प्ले विद द पैनल. अब मुझे इसको फिक्स करना है. फिक्स करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, और उससे पहले मुझे एक रीसेट बटन डालना है, करेक्ट, और उससे बैक बटन. तो मैं क्या करूँगा, इंसर्ट पे जाके बटन्स पे रीसेट, या इसकी जगह हम बैक बटन भी डाल सकते हैं. दिस वन लुक्स गुड. राइट इस बैक बटन को मुझे
फिल्टर पैनल के साथ छोड़ना है या बटन को फिल्टर पैनल के अंदर डाल देना है, राइट। तो वो अपने आप उसके साथ क्लब हो चुका है। ऑल राइट, अब मुझे व्यू पे जाना है, बुक मार्क पे जाना है, फिल्टर को ऑफ करना है, इसको ऑफ करके, फिल्टर्स को ऑफ करके, पहले मैं फिल्टर पैनल को ऑफ करता हूँ और एक बुक मार्क क्रिएट करता हूँ। सो दिस इज माई रीसेट बटन, राइट। अब फिल्टर पैनल को ऑन करता हूँ, अगेन आई विल ऐड अ बुक मार्क, दिस इज माई फिल्टर पैनल अंडरस्कोर शो। मतलब मैं बता रहा हूँ कि इससे मुझे फिल्टर पैनल दिख रहा है, मैं डेटा को ऑफ कर सकता हूँ, रीसेट में भी डेटा को ऑफ कर सकता हूँ। ऑल राइट, सो नाउ वॉट आई विल डू इज आई विल हाइड द फिल्टर पैनल, अगेन आई विल क्रिएट अ बुक मार्क, दिस इज फिल्टर पैनल हिडन, राइट, विद डेटा ऑफ। अब मुझे, मैंने तीन बुक मार्क्स बनाए हैं, राइट। अब मैं वापस जाता हूँ अगर इस पे, मुझे क्या करना है, फिल्टर कैसे वर्क करता है वो दिखाना है। तो वापस मैं अगर सिलेक्शन पे गया या बुक मार्क पे गया, राइट, फिल्टर पैनल को ऑन किया, इस आइकन को मैं क्लिक करता हूँ, इसका एक्शन मुझे दिखाता है बुक मार्क पे दैट whenever I click here, मेरा पैनल बंद हो जाना चाहिए, राइट, फिल्टर पैनल अंडरस्कोर हिडन। सिमिलरली नाउ इफ आई क्लोज दिस, यहाँ पर मुझे एक आइकन डालना है, लेट्स से आई इंसर्ट वन शेप, लेट्स से दिस वन। ऑल राइट, द कलर ऑफ दिस इज ऑरेंज, राइट, टाइटल, ओके, टाइटल इज नॉट रिक्वायर्ड एज ऑफ नाउ, मैं इसको ऐसे ही रख लेता हूं। और मैं ये कहता हूं जैसे ही मैं इस शेप को क्लिक करूं तो मेरा फिल्टर पैनल ऑन हो जाए, राइट। तो मैं इस शेप पे जाऊंगा, एक्शन को ऑन करूंगा, यहां पर टाइप में बुकमार्क डालूंगा और बुकमार्क नेम होगा फिल्टर पैनल अंडरस्कोर शो, राइट। सिमिलरली मैं एक रीसेट बटन बनाऊंगा, इसका एक्शन होगा बुकमार्क का रीसेट, राइट। अब क्या होगा, जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा तो मेरा फिल्टर पैनल दिखना चाहिए, जो कि दिख रहा है, राइट। जैसे ही मैं इस बटन को क्लिक करूंगा मेरा फिल्टर पैनल क्लोज हो जाना चाहिए, जो कि हो गया, विच इज़ वर्किंग परफेक्टली। और ये जो मेरा रीसेट बटन है, ये रीसेट क्या करेगा, अगर मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ फिल्टर किया हुआ है, फिनटेक पे फिल्टर किया हुआ है, साउथ अमेरिका पे फिल्टर किया हुआ है, अभी अब ये सारा डेटा देखो, जैसे ही मैं रीसेट पे क्लिक करूंगा ये सारा डेटा मेरा डिफॉल्ट वाला डेटा आ जाना चाहिए। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया डिफॉल्ट डेटा नहीं आया, तो अब देखते हैं कि क्या इशू है इसमें। व्यू पे गए, बुक मार्क पे गए, राइट, रीसेट पे जो डेटा है वो टिक मार्क नहीं है, इसको टिक कर देंगे। और वापस अगर हम सिलेक्शन पे जाते हैं, रीसेट को डिफाइन करते हैं पहले, फिल्टर इज ऑफ, राइट, इसको पहले सारा हटा देते हैं। नाउ दिस इज माय रीसेट। अगर अब हम करते हैं इसको, फिनटेक सिलेक्ट किया मैंने, फॉर एग्जांपल ओशियाना सिलेक्ट किया, डेटा आप देखना, अब मैं रीसेट को क्लिक करता हूँ तो मेरा डेटा वापस डिफॉल्ट आ गया, राइट। अब इसको मैं सिलेक्ट करूँगा तो मेरा पैनल आ जाना चाहिए। मैं यहाँ से कंपनी सिलेक्ट करता हूँ, लेट्स से फोर पैराग्राम, फिर वापस इसको रीसेट करता हूँ तो मेरा पूरा रीसेट हो गया। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू वर्क विद द बुक मार्क्स। Alright guys, I hope this video was useful for you. If you have any queries related to Power BI or this particular video, then do comment and then I can address that particular problem. In sab cheezon mein sabse important hota hai aapka concept. Ek bar aapne concept bana liya, modeling bana di, data kaise flow hona hai wo bana diya hai, fir aapko bas drag and drop karna hai aur fir isko visually appealing karna hai, wo aapki creativity hai. Alright guys,
थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग. इफ यू वॉन्ट टू हैव दीज काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट, अगर आपको पावर बी आई से रिलेटेड कॉन्सेप्ट जानने हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करो. आई कीप ऑन अपलोडिंग द वीडियोज ऑन वीकली बेसिस. थैंक यू गाइज.